ब्रिजेंद्र कला, मिथिलेश चतुर्वेदी, इनकी ग्रैंड अनाउंसमेंट फिल्म बाछड़ा एंड धर्मध्वन, इस फिल्म के बारे में आइए जानते हैं कलाकारों का क्या कहना है। सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली ये हम लोग दो फिल्म लेके आ रहे हैं अभी एक साथ। पहली फिल्म है हमारी बाछड़ा और दूसरी फिल्म है हमारी धर्मध्वन। बाछड़ा जो हमारी फिल्म है जिस पर हम 28 मार्च को शूट पर जा रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही संवेदनशील है। एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम बाछड़ा है, कहीं इसको बाछड़ा बोला जाता है, कहीं बेड़िया बोला जाता है। अब हम एक जाति लेके चलते हैं, एक कुम्हार जाति होती है। कुम्हार जो जाति होती है उसमें अगर आप देखें तो उनका जो पुश्तैनी जो काम है वो होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। वैसे ही ये जो बाछड़ा कम्युनिटी है इसमें क्या होता है, अगर बच्ची पैदा होगी तो वैश्यावृत्ति में जाएगी, है ना। अब एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना खुद का ड्रीम है कि मैं स्कूलिंग कर रही हूँ, स्कूल जा रही है, कि मैं IAS बनूँ, PCS बनूँ, IPS बनूँ, है ना, एडवोकेट बनूँ, पुलिस में जाऊँ, है ना, 5-6 साल की उम्र में वो उस माहौल में पल रही है, बढ़ रही है ना। 12-13 साल की उम्र में जब उसको पता भी नहीं है कि चीज़ होती क्या है, उस समय उसकी एक बोली लगती है ना। बोली के माध्यम से उसको वहाँ परोसा जाता है, उसके वो जो सपने होते हैं सारे सपने वही ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक लड़की, कोई किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, अगर वो किसी पर ट्रस्ट करेगी सबसे ज़्यादा वो होंगे माता पिता। लेकिन इस कम्युनिटी में क्या होता है, माता पिता ही बेटी के लिए कस्टमर लेके आते हैं। ये सब इनकी मानसिकता है, प्रथा है, परंपरा है जिसको इसका नाम लेते हैं। और प्रथा परंपरा के नाम पे वैश्यावृत्ति का ये जो है कार्य करते हैं। तो एक सब्जेक्ट हम लोगों ने उठाया है, 4 से 5 साल मुझे इस पर काम करते हुए हो गए। कई जगह हम लोगों ने खुद जाके रिसर्च भी किया, सर्वे भी किया। और ऐसा नहीं है कि और लोग निकलना नहीं चाहते इस माहौल से बाहर। दो चीज़ें हैं सर, जो लड़की निकलना चाहती है बाहर उसको प्रथा और परंपरा के नाम पे बंधक बनाया जाता है, कि यार आप बाहर निकल रहे हो, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं, वो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये सारा नाम दिया जाता है। और जो बाहर निकल चुके होते हैं, जो लड़कियाँ बाहर निकल चुकी होती हैं, जब तक लोगों को नहीं पता है कि किस कम्युनिटी से आती है, तब तक पता है लोगों को भाई ये नॉर्मल है। अब जिस दिन मालूम पड़ा कि भाई तो यार बेड़िया समाज से है, ये बाछड़ा समाज से है, तो वहीं लोगों की मानसिकता ख़त्म हो जाती है। तो कुछ कहानियां हैं, हम लोगों ने इस कम्युनिटी के लोगों से मिले, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, उन सबको मिला करके कहानी हम लोगों ने, बहुत प्यारी कहानी हम लोगों ने खड़ी की है और उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, आपको बताना चाहूँगा, लेकिन एक ये हमारा टाइटल पहले था धर्मांतरण, लेकिन किसी वजह से मुझे टाइटल मिला नहीं। ये धर्म द्वंद्व है, किस तरीके की कंट्रीज हैं जो धर्मांतरण के नाम पे अलग रिलीजन में कन्वर्ट हुई है, वही हमारी कंट्री है भारत। यहाँ भी ये चल रहा है, कहीं पे SC ST OBC जनरल कास्टिज्म को लेके, कहीं कुछ और वजह है। तो ये मुद्दा है धर्म द्वंद्व। मैं हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मिथिलेश जी हैं, साथ में आपने देखा होगा 26/11 में संजीव जी का बहुत प्यारा इनका एक परफॉर्मेंस थी, कसाब का जो करेक्टर प्ले किया था। एक्चुअली पोस्टर में किसी भी एक्टर का फेस ना देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा है और उसको जितने भी किरदार निभाएंगे, हमें एक्टर्स ही चाहिए, परफॉर्मर चाहिए, वी डोंट नीड हीरोज। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी स्टारकास्ट हैं, दे आर परफॉर्मर्स। तो हम लोगों ने जितने भी स्टारकास्ट इसमें लिए हैं वो सब इसी बेसिस पे लिए हैं कि सुपर एक्टिंग है उनकी, इसी बिहाफ पे उनको कास्ट किया गया है। फीमेल ओरिएंटेड मूवी है तो इसमें जो फीमेल है वो ब्रीफ हो जाएगा, जब मूवी आएगी तब पता चल जाएगा आप लोगों को। और बाकी के स्टारकास्ट हमारे निमई जी हैं, मिथिलेश जी हैं, विजेंद्र काला जी हैं, संजीव जी हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, अच्छा नाम है इनका। जैसे कि इन्होंने एक बेड़िया समाज की परंपरा को बताया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब लागू होती हैं जबकि आप उसका एक्सपेरिमेंट या कुछ भी है तो दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ पर मेरा कैरेक्टर जो है वो एक बाप का है जिसकी कि अपनी बेटी जवान हो रही है और उसको परोसने की बात की जा रही है, जो कि उसको कबूल नहीं है, और वो अपनी बेटी की मदद करता है। फिर वहाँ से उसका चेंज हो जाता है, वो उस परंपरावादी स्थितियों को छोड़ के वो एक नई रोशनी में देखता है कि उसकी लड़की
अपलिफ्ट करे, उसको तरक्की करे और इस कुप्रथाओं से वो दूर हो। मतलब मेरा जो कैरेक्टर है बड़ा विषम सा है कि एक तरफ तो वो पहले चाहता है कि लोगों की बेटियां जो हैं वो विषयवृत्त करें, उनको ग्राहक फंसाता है, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आती है तो वो बड़ा संवेदनशील हो जाता है। एक काफ़ी पुराना एक रिश्ता रहा है, जो पहली विकास दुबे पर जो आधारित थी, विकास दुबे में ही बना था और अभी एडिट में चल रहा काम उसका। एंड अभी सर ने जैसे बोला मीडिया समाज जो है, मैं एक एक्चुअली सीरियस कर चुका हूँ उसके ऊपर पूरा। ये बुंदेलखंड की एक परंपरा है, बुंदेली भी आती है मुझे बोल कि कबो कबो हमारे दिल में जो ख्याल आता है कि तबाह को बनाया गया हमारे लिए, जब तू ना होती तो कछु ना होता, जब तू होती सब कछु होता। और मेरा जो रोल है वो ACP त्यागी का है, जो इस पूरा जो भी है उनको कैसे रोकता है, कैसे उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाता है। बाकी फिर नीरज जी बताइए। बहुत दमदार करेक्टर है सबका, एक पूरी मुहिम चलाते हैं और किस तरीके से उनका मोटिवेट करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलिए, बस नहीं बाकी तो मूवी हम लोग जा रहे हैं। मेरा कंट्रोवर्सी हो जाती है सर, मेरा तो सिर्फ ये है, मेरा सिर्फ ये मकसद रहता है सर कि अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ और मेरी फिल्म से अगर 5% भी कुछ सुधार हो रहा है मेरे देश में तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिल सकता है। इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं है। इससे क्या मतलब, समाज को कुछ तो मिलेगा। अच्छा मैसेज देना है, फिल्म में पैसे के लिए नहीं बनाता, फिल्म बनाता हूँ मैं आपका, अगर मेरी वजह से, मैंने बोला भी आपसे, कुछ सुधार होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कमाल। अगर हमारी मूवी से एक इंसान की भी सोच बदलती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ, कंट्रोवर्सी से कुछ भी हो तो ये तो फैक्ट है ना। अभी आप जाके देखिए, गाँव में जाके देखिए या कहीं ट्राइब्स में जाके देखिए तो आपको ये चीज़ें घरों घरों में मिलेंगी, तो ये सच्चाई है, बस उससे रूबरू कराना है हमें पर्दे। कहीं और मत जाइए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुत अब क्या बोला जाए, उसके लिए नहीं है, OTT के लिए, ये थिएटर के लिए। इसमें मेरा रोल बिंदिया का रोल है मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सारी चीज़ें इन दोनों ने बता दी, जैसे कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी है, और धीरे धीरे और अब मूवी आएगी तो आपको पता लग जाएगा क्या। मैं इसमें एक रवि का कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा हूँ, और रवि जो है वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, तो बांछड़ा समाज की एक लड़की है जिससे उसको प्यार होता है और वो समाज में जाके बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट वो लोग उससे 25 लाख रुपया डिमांड करते हैं कि तुम पैसे हमें दो तो हम लड़की को छोड़ेंगे, तो वो पैसा दे नहीं पाता है। तो वो जो लड़की है जिससे प्यार कर रहा है, ये उसके साथ कुछ दूसरे तरीके का हादसा होता है, गैंगरेप होता है, उसका मर्डर होता है, तब ये लड़का वापस आता है और इसको बहुत बुरा लगता है कि मतलब अगर उस समय मैंने हिम्मत की होती तो शायद मैं इस लड़की को बचा सकता था। तो उसके बाद वो रिवेंज का सारा प्रोसेस चलता है, तो ये मेरा इसके अंदर कैरेक्टर है। नमस्ते, एक्चुअली मेरा नाम सोनिया है, मेरे बारे में ज़्यादा सही श्रद्धा मैम बता सकती है कैरेक्टर को लेके। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी गुड डांसर और अभी हम इनको रानी के लिए कास्ट कर रहे हैं। रानी का कैरेक्टर इसमें मदर का कैरेक्टर है और वो अपनी बेटी को लेके काफ़ी स्ट्रगल करती है, चीज़ें करती है, फिर क्या क्या चीज़ें वो फेस करती है वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। देखिए सर, एक्चुअली स्क्रिप्ट जो है वो जो पूरी कहानी हमारी जो है आपकी एक माँ और बेटी की कहानी है ना, तो माँ और बेटी दोनों का एक स्ट्रगल है, क्योंकि माँ उसने जो चीज़ देखी है वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी वो चीज़ फेस करे, तो एक इमोशंस है कहानी के अंदर माँ और बेटी का। किरण, आई एम वीडियो प्ले ऑफ दिस मूवी, तो इसकी जो भी कंटेंट, एक्चुअली सबसे पहला अट्रैक्शन मेरे लिए कंटेंट ही था कि, और मैं विजुअलाइजिंग हमेशा चैलेंज ज़्यादा पसंद करता हूँ रैदर देन मास्टरपीसेस पे, मैं पूरी कोशिश इसे एक मास्टरपीस में कन्वर्ट करूँ और विद सोल को मेंटेन करते हुए, क्योंकि जो सच्चाई है उसे फेस करना और बस उसी की तैयारी चल रही है। सर आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। और अभी जो फिल्म हम लोग कर रहे हैं बांछड़ा, सबका बहुत महत्वपूर्ण उसमें किरदार है, जो आपका लीड जो लड़की है हमारी खुशी, उसके पिताजी का सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है,
बाकी सर तो मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। तेरे से कहानी के बारे में बताया कि ये मतलब किसी स्टेट में होता है ना? जी जी सर, उत्तर प्रदेश बिहार में भी है आपका। हाँ, जैसे कि है ही कि जैसे देवदासियाँ टाइप नहीं होता है, एक इस तरह का एक हाँ बिल्कुल ग्रुप होता है, मतलब इस तरह की जो एक कास्टिज्म है इस तरह से, कि उनका सिर्फ जीवन में एक ही काम है कि अपने शरीर को बेच करके और जीवन यापन करना। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है कि ये प्रथा जिस तरह से कि इसका दुष्प्रचार भी हो रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस प्रथा को रोकने के लिए कि जीवन का सिर्फ एक यही मंत्र है, इससे बचने के लिए ये एक कहानी इन्होंने तैयार की है जिस पर हम ये फिल्म बना रहे हैं। मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल हृदय स्पर्शी कहानी है एक तरह से, और तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी वक्त मिलेगा किसी भी तरह से इसको हम करेंगे, और इसलिए इसको आगे लेकर हम बढ़ेंगे। नहीं, हम धर्म को लेकर नहीं है, भाषण मतलब भाषण तो मतलब ये प्रथा इस तरह की, मुझे लगता है शायद मैं हूँ तो नहीं होगी। दूसरा दूसरा क्या है, हमारा काम है समाज है ना, जहाँ माता पिता पे बच्चियाँ ट्रस्ट करती हैं है ना, वही माता पिता ही बच्चियों को प्रेजेंट करते हैं। एक कुछ लोग हैं जो कि इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रथा का, परंपरा का, कि भाई हमारी प्रथा है परंपरा, जबकि ऐसी कोई प्रथा परंपरा है ही नहीं है। प्रथा के परंपरा के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं है ना। तो हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट है, कैसे भी करके एक प्रयास है छोटा सा कि ये चीज़ें बंद हों, सरकार की नज़रों में है, सरकार इसके खिलाफ जो है एक ठोस कदम उठाए। जी मैसेज है ना इसमें, एक चीज़ सबसे बड़ा हम लोग ये लेकर टर्न कर रहे हैं कि देह व्यापार के अलावा भी एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जीवन यापन किया जा सकता है, शरीर बेचने से ही सिर्फ पेट नहीं भरा जा सकता। तो ये हम लोग इस तरफ टर्न करेंगे स्टोरी को। क्या है, मजबूरी बात अलग होती है, लेकिन ये आप मेन कोर्स में ले आए कि नहीं हमारा तो काम ही है, तो वो गलत है कि वो ये मान के चले कि नहीं हमारा तो काम ही है, हमको तो यही करना चाहिए, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं होगी। तो इस पर मतलब रोक लगनी चाहिए, और बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब वो तो बात अलग है, मतलब अगर आप बेरोजगार हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ आप यही काम करेंगे। ये दिखाया भी फिल्म में हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, कुछ एक ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि आप इसको हटा करके ये कर सकते हैं। हाँ। फिल्म में एक अच्छा एक स्टोरी लाइनअप है फिल्म का, अब निकल के आएगी फिल्म तो लोगों को मैसेज छोड़ेगी कि भाई आप यहाँ से हट करके ये कर सकते हैं, रास्ता ये भी अपना सकते हैं। 8 मार्च को हम लोग फ्लोर पर जा रहे हैं, लखनऊ में शूट कर रहे हैं हम लोग, पूरी मूवी सारी। हाँ, वो वहीं कम्प्लीट हो जाएगी।